उदयपुर के बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत पर फायरिंग हुई है। गोली कंधे में लगी जिससे वो घायल हो गए। फायरिंग पूर्व बेदला सरपंच नरेश प्रजापत पर हुई जिससे गोली उनके कंधे पर लगी। गंभीर अवस्था में नरेश को GBH अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि हमलावर कार में सवार होकर आए थे जो फायर करके फरार हो गए। फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवा दी है। अभी 1:30 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि बेदला माता जी के मंदिर के पास में कोई फायरिंग हुई। उसमें ये तो क्लियरली पता नहीं, अज्ञात लोग ही हैं और नरेश जी प्रजापत जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं उनके एक गोली फायर किया है, गनशॉट है। और उसके अभी उनको GBH हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उनसे स्टेटमेंट लेने का भी प्रयास किया जा रहा है और नाकाबंदी करके और जो भी अज्ञात हैं मुझे उनको ज्ञात करने का प्रयास किया जा रहा है। हम बेदला माता जी स्वागत द्वार बंडरा में खड़े थे, नरेश जी में और 2-4 गांव वाले और थे, लेडीज वेडीज थी वहाँ पे। तो मेरे गांव गेट का निरीक्षण करके निकल रहे थे, मैं मेरी कार की तरफ पहुँच रहा था और नरेश जी गाड़ी के पास खड़े थे। तो एक कार आके रुकी इंडिका, रॉन्ग साइड बहुत स्पीड में आई थी, आते रुकी और उतरते उन्होंने गेट खोलते ही एक धक्का-मुक्की करते फायरिंग की। मैंने फायरिंग आवाज़ सुनकर मैं उनके पास दौड़ा था, दूसरी लोड कर रहे थे, तो मैंने उनको धक्का-मुक्की करके और नरेश जी वहाँ से उठ गए, पास वाले घर में भगा दिए थे, उनको गली में भगा दिए थे। वो लोड करने नहीं दी थी उसको, तो वो फिर आपाधापी में गाड़ी के अंदर बैठ के भाग गए थे। मुंह उनके पूरा उस समय का मुंह बांध रखे थे। एक जना नीचे उतरा था, एक पीछे बैठा था और एक आगे गाड़ी चला रहा था।